Yes, friends, you must have completed all the questions up to 15. उसके बाद 16 और 17 थोड़ा पैटर्न अलग है, और इलस्ट्रेशन जो हमने स्टडी मटेरियल में दिया है वो 12th इलस्ट्रेशन जो है उसके बेस पर ये क्वेश्चंस है। मैं पहले 17 सॉल्व करूंगा, बाद में 16 को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन के रेफरेंस देखा जाए तो वो एक्सरसाइज 3.2 का 4th क्वेश्चन है। प्लीज रीड इट केयरफुली। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द कारपेट एरिया इन हाउस एंड इट्स मंथली रेंट इन अ सिटी। कारपेट एरिया इन स्क्वायर मीटर एक्स एंड मंथली रेंट इन रुपीज वाई गिवेन। 55 कारपेट एरिया है तो मंथली रेंट 18,000 है, 60 स्क्वायर मीटर तो रेंट है 19,000, एंड सो ऑन। टोटल 7 डेटा आपको या 7 पेयर्स अवेलेबल है। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। एस्टिमेट द मंथली रेंट, मतलब वाई को एस्टिमेट करना है, ऑफ हाउस हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 110 स्क्वायर मीटर। तो एस्टिमेशन भी करना है, इक्वेशन भी है। चलिए कैसे काम करते हैं देखते हैं। पहले तो एक्स सीरीज और वाई सीरीज अवेलेबल है, तो वैल्यूज आर वेरी हाई, 20 से तो ज्यादा ही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स बार वाई बार चेक करेंगे इंटीजर है या फ्रैक्शन है। तो हमने एक्स का टोटल किया 630, एक्स बार आ रहा है 90। y का जब मैं टोटल कर रहा हूं तो y बार आ रहा है 182,000। अच्छा, जब y बार करेंगे टोटल 182,000 और y बार करेंगे तो 26,000। तो दोनों x बार और y बार दोनों इंटीजर ही है, लेकिन वैल्यूज बहुत बड़ी है। तो ये मैं x माइनस x बार y माइनस y बार से भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, मैं चाहूं तो। और मैं चाहूं तो इसको मैं UV से भी सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे वैल्यू रिड्यूस करने में x बार y बार से ज्यादा UV में काम कर सकते हैं। लेकिन हम अपने रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं, हमने अपने रूल बनाए उसकी वजह से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे वही पैटर्न से, इंटीजर वाला। तो पहले क्या करेंगे, x माइनस x बार और उसके बाद y माइनस y बार। चलिए 55 माइनस 90 कितना होगा भाई, माइनस 35। 60 माइनस 90 माइनस 30, 75 माइनस 90 माइनस 15, 80 माइनus 90 माइनus 10, 100 माइनस 90 10, 120 माइनस 90 30, एंड 140 माइनस 90 ये हो जाएगा 50। y माइनस y बार 18,000 माइनस 26,000 तो ये होगा माइनस ऑफ 8,000। 19 मतलब -7,000, -6,000, अगेन -6,000, -1,000, +4,000 एंड +24,000। चलिए, ये वैल्यूज जो है वो काफी बड़ी है, रूल के हिसाब से जाना चाहे तो भी ये रिड्यूस नहीं हो रही है। स्केल फैक्टर ले तो ले सकते हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन पर्पसफुली उसके बिना कर रहा हूं। बाकी भी मैं फिर से भी बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक काम करते हैं, अपने रेगुलर पैटर्न से ही जाते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। चलिए 35 का स्क्वायर कर लेते हैं। चलो मैं उसको वेरीफाई कर लूं, 1225। 30 का स्क्वायर 900, 15 का स्क्वायर 225, 100, 900, 2500। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 35 इंटू 8,000 तो ये होगा 2,00,000
80,000, ये हो जाएगा 2,10,000, ये हो जाएगा 90,000, ये होगा 60,000, ये माइनस ऑफ 10,000, ये होगा 1,20,000, और ये कहीं पर 12 लाख होने वाला है। चलिए अब मुझे करना क्या पड़ेगा सर, ये दो टोटल चाहिए अपने को और कुछ भी नहीं, देखते हैं कैसे टोटल करते हैं। ठीक है, टोटल हो रहा है 5,950 एंड 19,50,000। आप सबने भी पॉज लेके टोटल कर लिया होगा, चेक कर लीजिएगा। अभी वर्किंग में मुझे क्या चाहिए, तो सर दो चीजें चाहिए, बी और ए। बी मीन्स बी वाई एक्स, और जिसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसके हिसाब से फिगर रखे तो 19,50,000 डिवाइडेड बाय 5,950। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं क्या हो रहा है, देख लीजिए। ये होता है 327.73। उसके बाद ए है y बार माइनस बी एक्स बार, y बार है 26,000, बी का मतलब है 327.73 और x बार का मतलब है 90। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट जो आएगा वो 26 में से माइनस करते, चेक करते कैसे करता है। और ये कैलकुलेशन हो रहा है नेगेटिव 3,495.7। चलिए अभी जो रिक्वायरमेंट है वहां पर आ जाते हैं। क्या है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में पहले तो आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x के लिए मैं लिखूंगा कि टेकिंग a इक्वल्स टू ये रहा माइनस 3,495.7 एंड b इक्वल्स टू 327.73, y cap is -3,495.7 plus 327.73x। उसके बाद भी है एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन है आप जब 110 होगा x का वैल्यू। सो एस्टिमेशन ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 110, तो वहां पर लिखेंगे कि taking y on x, y cap is -3,495.7 plus 327.73 into 110। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये फिगर आ रहा है 32,554.6, और ये रुपीस में लिखना पड़ेगा क्योंकि y जो है वो रेंट है, 110 स्क्वायर मीटर है एरिया, तो रेंट होगा 32,554.6, मतलब ये उसका एस्टिमेटेड वैल्यू है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा क्वेश्चन की सॉल्यूशन पैटर्न को मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये इतनी सारी बिगर वैल्यूज को स्मॉलर वैल्यूज में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते, हाँ कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैं यूवी से सॉल्व करूं, हाँ कर सकते हैं। और यूवी मेथड का जब हम यूज करेंगे तो एक्स बार से भी डेविएशन ले सकते हैं या किसी और वैल्यू से भी ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे ऐसी वैल्यू से हम काम कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन को सपोज मैं यूवी से सॉल्व करना चाहता हूं, सपोज, तो मैं क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूं वो आप देखिए। चलिए ठीक है, देखो मैंने रेलेवेंट एरिया यहाँ रिमूव कर दिया है जो मैं काम करने वाला हूँ उसमें। तो x को हम कन्वर्ट करेंगे u में।
अब जब हम यू में कन्वर्ट करते हैं तो एक्स बार के आसपास की कोई फिगर लेंगे जो कम्फर्ट, सर 90 ही बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन मैं बोलूं कि सभी वैल्यू सपोज 90 में लिखूं तो 10 के मल्टीपल में नहीं है, लेकिन वो सब 5 के मल्टीपल में तो आ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यू के लिए मैं पर्पसफुली एक्स माइनस 90 के बजाय जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए मैं यहां पर ले रहा हूं 100, लेकिन वो सभी को मैं 5 से तो डिवाइड कर ही सकता हूं। ठीक है, तो कैसे काम करते हैं? कोई कह सर मैं 90 से लेके डिवाइड बाय 5 करूं तो चल सकता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो मैं वहीं से शुरू करूं तो u का टोटल भी 0 हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय 5 मैं ले रहा हूं, तो 55 माइनस 90, माइनस 35 था, माइनस 35 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा माइनस 7, 60 माइनस 90 तो ये हो जाएगा 30, लेकिन डिवाइड बाय 5 तो माइनस 6 हो जाएगा, 75 तो माइनस 15 बाय 5 ये माइनस 3 हो जाएगा, ये होगा माइनस 2, ये होगा प्लस 2, 120 तो 30 बाय 5 तो ये प्लस 6, और 50 बाय 5 तो ये होगा प्लस 10। उसके बाद V के लिए सर क्या कर सकते हैं? V में भी मैं 26,000 भी ले सकता हूं, लेकिन अभी मैं 25, एक मैंने एक्स बार से लिया है, एक मीन वैल्यू से लिया, तो एक मैं नॉन मीन वैल्यू से लो, तो आपको समझ में आया कि कैसे करते हैं। तो एक काम करते हैं, Y माइनस 25,000, लेकिन ये सभी फिगर 1000 में तो है ही, तो 25,000 रिड्यूस करूंगा तो भी 1000 का मल्टीपल ही रहेगा। एक काम करते हैं, उसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो काफी रिड्यूस हो जाएगा वैल्यू। चलिए 18,000 माइनस 25,000 तो माइनस 7,000 डिवाइड बाय 1000 तो ये भी माइनस 7 हो जाएगा, 19 माइनस 25 माइनस 6 हो जाएगा, 20 माइनस 25 तो माइनस 5,000 डिवाइड बाय 5,000 तो ये माइनस 5 होगा, अगेन माइनस 5, ये होगा 0, ये होगा 5,000 डिवाइड बाय 1000 तो ये प्लस 5, और ये 25 आएगा, 50,000 माइनस 25,000, 25,000 डिवाइड बाय 1000 तो ये होगा 25। अब मुझे क्या चाहिए? तो अब चाहिए मुझे u स्क्वायर एंड u इंटू v, u स्क्वायर में जाएंगे तो ये होगा 49, 36, 9, 4, 4, 36, 100, u इंटू v माइनस माइनस प्लस 49, उसके बाद 6 इंटू 6 36 प्लस 15 प्लस 10 0 30 एंड 250। अब मुझे टोटल चाहिए, लेकिन अब टोटल मैं करूंगा ये सभी कॉलम्स का टोटल मुझे चाहिए। देखते हैं कैसे टोटल करते हैं, तो आप वेरीफाई कर लो टोटल हो रहा है 07238 एंड 390। चलिए मुझे बी निकालना है, बी का फॉर्मेट क्या होगा? बी का फॉर्मेट है एन सिग्मा यू वी, एक फॉर्मूला चेंज होगा, माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्केल पर डिपेंडेंट है, तो स्केल फैक्टर आपको लिखने पड़ेंगे। चलिए एन कितना है? एन 6 है, सिग्मा यू वी है 390, सिग्मा यू तो 0 ही है और सिग्मा वी जो है वो 7 है, डिवाइड बाय अगेन 6, सिग्मा यू स्क्वायर 238 माइनस 0 का स्क्वायर इंटू वाई का स्केल है 1000 और एक्स का स्केल है 5, तो यहां पर 1000 डिवाइड बाय 5,
चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को। तो ये होगा अगेन 327.73। देखो CY/CX ये थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने ये टेक्निक का यूज किया है। अब आप बोलोगे सर आप तो बोलते थे कि इंटीजर हो तो x माइनस एक्स बार, फ्रैक्शन हो तो यूवी, तो आपने ही चेंज कर दिया। सही बात है, मैंने क्यों चेंज किया, इसके पीछे एक लॉजिक है कि वैसे ये जो मैंने पहले भी आपको जो दिया था कि ये सिचुएशन में आपको ये फॉर्मूला लेनी है, ये सब गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। और गाइडिंग प्रिंसिपल्स है इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरी पैटर्न से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सॉल्व करो तो ये पैटर्न से काम करो तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, उसकी वजह से ये गाइडिंग प्रिंसिपल दिए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे टिपिकल हो जाते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल के एक्सेप्शन हो जाते हैं, तो गाइडिंग प्रिंसिपल के हिसाब से सॉल्व करने में ज्यादा हो सकता है कि कंफर्टेबल कैलकुलेशन ना हो, तो ऐसे वक्त आप थोड़ा आगे पीछे जा सकते हैं। ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, आप इंटरचेंजेबली फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। तो हमने एक ही क्वेश्चन इंटीजर के साथ भी सॉल्व किया और यूवी पैटर्न से भी सॉल्व किया, और फॉर्मूला इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, वो आप समझ पाओगे। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड अमाउंट ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन एयर एट द प्लेस, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ अमाउंट ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन वाई ऑन ऑल्टीट्यूड, मतलब वाई ऑन एक्स। एक्स का मतलब है ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड में लिखा हुआ है 305 मीटर्स इक्वल्स टू 1000 फीट, तो ये 305 मीटर में यूनिट है, मैं इसका मतलब 0, 1 मतलब 1000 फीट मानेंगे, 2 मतलब 2000 फीट मानेंगे, 3 मतलब 3000 फीट, उस हिसाब से ये डेटा है। और इफेक्टिव ऑक्सीजन परसेंटेज में है 20.9, 20.1 एंड सो ऑन। ठीक है, इफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 7 यूनिट्स, मतलब एक्स का वैल्यू 7 होगा, तो एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ऑक्सीजन इन एयर एट दैट प्लेस, तो वाई का एस्टिमेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम वाई ऑन एक्स इक्वेशन का यूज करेंगे। चलिए अभी यहां पर एक्स बार तो इंटीजर है लेकिन वाई बार फ्रैक्शन है, और शायद ये फ्रैक्शन ना भी होता तो भी डेटा फ्रैक्शन में है, तो उसको मैनेज करने के लिए मैं यूवी का ही पैटर्न यूज करता। मैंने आपको बताया कि गाइडिंग प्रिंसिपल आपकी हेल्प के लिए है, आपकी कंफर्ट के लिए है, लेकिन वही कंफर्ट आपकी दुविधा बन जाए तो आप प्रिंसिपल से थोड़ा आगे पीछे जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि उसी को हम रूल ऑफ थंब की तरह फॉलो करें, लेकिन यहां पर तो अब प्रिंसिपल के हिसाब से, गाइडिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जा सकते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, U में क्या लेते हैं, देखो यहां तो 3 से ही ले सकते हैं तो ये काम तो इजीली हो जाएगा, x बार से ही हम ले रहे हैं, लेकिन V में क्या करेंगे, तो V में मैं बोलूंगा कि y माइनस या कुछ भी मैं लू, सपोज इसको मुझे लगता है कि कंफर्टेबल वैल्यू मुझे 19 लगती है, कोई बोले मुझे 20 लगती है, ओके 20 ले लो, लेकिन जब भी आप वैल्यू लेंगे तो जो फिगर आएगी वो डेसिमल, एक यूनिट के डेसिमल मतलब एक वैल्यू तक आएगी। तो एक काम करते हैं, उसको रिमूव करना है तो मैं 0.1 से डिवाइड कर दूं, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूं या 0.1 से डिवाइड करूं तो काम हो जाएगा। तो मैं v क्या लूंगा, y माइनस 20 अपॉन 0.1। अब मैं इसको सपोज सॉल्व करूं तो यहां क्या है, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है ऐसा मान के चलेंगे, तो ये होगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, और यहां पर आप 20.9 माइनस 20 करोगे तो 0.9 डिवाइड बाय 1.1, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 0.6 डिवाइड बाय 0.1, तो ये माइनस 6 हो जाएगा। 17.9 और 20 का मैं डिफरेंस निकालूं तो 2.1 आएगा, नेगेटिव 2.1, लेकिन डिवाइड बाय 0.1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 21।
चलिए उसके बाद 17.9 फिर से है तो उसको भी मैं 21 ही बोलूंगा। 17.3 तो ये डिफरेंस निकालेंगे 20 तक का तो वो आएगा 2.7, नेगेटिव 2.7 डिवाइड बाय 0.1 पॉजिटिव 27। और 16.6 के हिसाब से देखें तो 16.6 तो ये आएगा 3.4, नेगेटिव 3.4 डिवाइड बाय 0.1 पॉजिटिव 34। अब इसके बाद क्या करना है आपको मालूम है, यू स्क्वेयर एंड यू इंटू वी। तो मुझे लगता है ये काम इससे आगे जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। और जब भी वर्किंग में आप बी को सॉल्व करो, इससे आगे आप खुद ही करने वाले, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, तो बी वाई एक्स जब आप लिखो तो फॉर्म्यूला में इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स करना पड़ेगा। और फिगर रखने के बाद भी सी वाई का मतलब होगा 0.1 और सी एक्स का मतलब होगा 1। तो आप इसको सॉल्व करो उसके बाद ए और फिर एस्टिमेशन इक्वेशन और उसके बाद एस्टिमेशन, रेस्ट पार्ट यू कैन कंप्लीट एट योर ओन। मैं इसको पूरा फुल फ्लेज सॉल्व नहीं करने वाला, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 18 का भी मैं हिंट देने वाला हूं, फुल फ्लेज आप खुद सॉल्व करोगे, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। The following sample data is obtained to study the relation between the number of customers visiting a mall per day and sales in 10,000. Number of customers को X मान के चलेंगे और sales in 10,000 rupees को Y मान के चलेंगे। तो 50, 70, 100, 70, 150, 120 and sales are 2, 2.5, 1.4, 4 and 2.5. X बार और Y बार हमने चेक किया, दोनों फ्रैक्शन है, UV से तो जाना ही है। क्या करेंगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर U के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि X माइनस 100 ले लो। कोई बोले मुझे 90 लेना है, ओके ले सकता है। सपोज मैंने 100 लिया लेकिन ये सभी 10 के मल्टीपल में है तो बेटर है कि मैं 10 से डिवाइड भी कर दूँ तो काफ़ी कुछ रिड्यूस हो जाएगा। और V के लिए हम क्या करेंगे, ये 2.4 भी ले सकते हैं। कोई बोले मैं 2.5 लेना चाहता हूँ, चलेगा। सपोज मैं 2.4 का हिंट दे रहा हूँ, आप इसी पैटर्न से करो तो अपना क्लासरूम का पूरा सॉल्यूशन एक जैसा रहे। और डिवाइड बाय, ये तो डेसिमल में है तो डिवाइड बाय मुझे करना पड़ेगा 0.1। तो U और V इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, सी वाई सी एक्स को ध्यान में लेके आपको काम करना है, तो वो चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे आगे जो भी करना है, कैसे करना है, वो आप खुद कर पाओगे, ठीक है। और इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, उसको भी आप सी एक्स सी वाई मतलब यूवी फॉर्म में सी एक्स सी वाई लेके ही सॉल्व करना है। लेकिन वो सी एक्स फैक्टर और सी वाई फैक्टर क्या होगा उसका मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, ठीक है। वो एक क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, और उसमें एरर का भी काम है, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का डिफरेंस भी निकालना है। सो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन आई कैन से यू कैन कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 19। दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।